नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरमिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह यानी 15 अगस्त से 21 अगस्त के बारे में। और जैसे कि गणतंत्र दिवस है, हम सब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी एक जो दुनिया है वो बहुत बेहतरीन बने। हर एक इंसान प्रयास करता है वो अपने जीवन में सबसे बेहतरीन काम करे कि वो अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाए। तो चलिए आज बात करते हैं गीतिका मैम से कि जैसे कि गणतंत्र दिवस है, हम सब एक साथ एक बार फिर अपने देश के लिए जी रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बहुत बेहतरीन सुबह से माहौल देख रही हूँ, तिरंगों के गाने चल रहे हैं और विशेज जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक दूसरे को दी जा रही हैं। तो चलिए गीतिका मैम का पहले स्वागत करते हैं जो आपके हर एक परेशानी का जो है हल निकालती हैं, और उनके साथ शुरुआत करते हैं ये गणतंत्र दिवस के जो हमारा दिन है उसकी। कृतिका मैम सबसे पहले स्वागत है और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको भी। तो मैम जैसे ये हमारा गणतंत्र दिवस का एक अलग ही आज दिन में माहौल देखने को मिल रहा है, एक पेट्रोटिक वेव जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले तो मुझे गूजबम्स हो रहे हैं क्योंकि ये दो दिवस ऐसे होते हैं कि हर एक इंसान, हर एक रिलीजन, हर एक कलर कास्ट क्रीड को भूल कर इकट्ठे एक जगह पर होते हैं। लेकिन अब तो प्रोटोकॉल्स हैं, लोग इतना नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने बहुत एक बेहतरीन यहाँ पे एक मैं कहूँगी रोल निभाया है कि हमारे मैसेजेस जा रहे हैं। तो ये एक बिगनिंग है, सब चाहते हैं लाइफ में अच्छा करना, सोसाइटी को गिव बैक करना। तो आपकी क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स को कि वो कैसे गिव बैक जो है सोसाइटी को दे सके एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ? एक बहुत फेमस आई थिंक फिलोसोफर पोएट ने कहा था, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री इज गिविंग यू, आस्क व्हाट यू आर गिविंग योर कंट्री। और आशिमा जी, आज मुझे एक स्पेशल यही टैरो करना था कि आज हम सब स्टार साइंस का, सन साइंस के कुछ विशेषताएं बताएंगे कि आप में क्या चीज़ अच्छी है जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सको। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि ये कंट्री है, ये अलाइव है बिकॉज ऑफ अस पीपल। अगर हम अपने में अच्छाई ढूंढेंगे, हमें अपने नेबर, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में अच्छाई दिखेंगी, वो हमारी सोसाइटी में मल्टीप्लाई होगी अच्छाई, और वो हमारे गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम्स में अच्छाइयाँ मल्टीप्लाई होगी। जितना हम अपने में डाउट करेंगे हम दूसरों को डाउट करेंगे। बिल्कुल। उधर हम कहेंगे कि सोसाइटी करप्ट है, गवर्नमेंट लाइक दिस है, और फिर हमारी कंट्री ही पीछे है। सो इट इज़ अप टू अस हाउ आर कंट्री विल बी एंड अप टू अस। क्या अगर आप कोई भी डेवलप्ड नेशन में देखो कि लोग अपनी सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव करते हैं, बहुत ज़्यादा, दैट वन पर्सन मेक्स अ डिफरेंस इन द इंटायर कंट्री। तो आज इससे हम शुरू करेंगे हमारे पहले सन साइन से, कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आप में डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है, कोई भी नेगेटिविटी आती है, आप जल्दी से उसके ऊपर विन कर लेते हो, और आप एक बच्चे की तरह, मतलब कि जो बच्चा डरता नहीं है, निडर होके आगे वो फिर से एक्सपेरिमेंट करता है। समझो कि एक बच्चे ने एक जंप किया और उसको लग गई, पर वो फिर से उठता है और वो फिर से खेलना शुरू कर देता है। तो आप में वो एक निडरता है, एक बहुत पेशेंस है, परसिवियरेंस है, और आप में बहुत आइडियाज़ आते हैं, बस आपको एक एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो गिव वन आइडिया वन वीक्स टाइम, एंड जैसे वो आइडिया जर्मिनेट हो देन यू कैन गो टू योर नेक्स्ट आइडिया। सो यू आर फिल्ड विद क्रिएटिविटी एंड गुड वर्क, सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे अक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आप अपने उम्र से ज़्यादा ही समझदार हो, एंड येस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन कम्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस जल्दी आ जाती है जब कोई नेगेटिव बात करे, पर आपको ये समझना चाहिए कि नेगेटिव बात उनकी ही हो सकती है जो सक्सेसफुल है। सो सी द पॉजिटिव इन दैट कि अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, इट्स ओनली बिकॉज मैं ऊपर उठा हूँ। नीचे गिरे हुए इंसान को कोई और नीचे ज़्यादा नहीं गिरा सकता। बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर अबिलिटीज एंड मूव अहेड एंड यू विल डू एब्सोल्युटली फाइन। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए द बेस्ट पार्ट इज कि आप, यू आर वेरी ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। सिर्फ आप ही अपने इन्वायरमेंट में नेगेटिव ढूंढते हो, और कोई सपोर्ट भी करना चाहते तो आप उनकी सपोर्ट नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है, लेट द यूनिवर्स हेल्प यू, आस्क फॉर हेल्प, इट विल हेल्प यू।
बिकॉज अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है उसके भी अच्छे कर्म बन रहे हैं, आपके भी अच्छे कर्म बन रहे हैं जैसे, और इसमें ब्रदरहुड, इंटीमेसी एंड यू नो एक कंपैशन, विजडम, ये सब ग्रो होता है बिकॉज टू माइंड्स कैन थिंक ग्रेटर देन वन माइंड ऑल्सो. तो इसमें आप यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ है और आप जो भी काम करते हो बहुत पैशनेटली करते हो, तो कीप दैट स्पिरिट ब्रिमिंग एंड पैशनेटली काम करोगे तो मनी विल डेफिनेटली फॉलो. अब हम देखेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि के लिए. एरीज, यू आर अ वेरी लकी पर्सन, आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ है, इसलिए कभी कभी आप घबरा जाते हो, तो इसलिए आप वो चीज़ों को अपने बचाने की कोशिश करते हो. आप सोचते हो कि चलो ये काम मैं ही कर लेता हूँ, दूसरों पर यकीन नहीं करता. एक चीज़ आपको चेंज करनी है सिर्फ, ट्रस्ट पीपल. ट्रस्ट कि अगर मैंने ये काम अपने सर्वेंट को दिया है या कलीग को दिया है, कोऑर्डिनेटर को दिया है, सबॉर्डिनेट को दिया है, वो ये काम कर लेगा. अगर वो फेल होता है, ट्रस्ट कि वो सेकेंड टाइम काम ठीक से कर लेगा. इफ़ यू गो विद दैट फीलिंग, यू आर अ वेरी कंटेंट पर्सन, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दैट्स आर नेचुरल टेंडेंसी. और आपको सब कुछ मिला है, यू गॉट द, यू अट्रैक्ट लव फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड यू, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट यू. अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि. टॉरियंस के लिए यू आर अ गो गेटर, आप में अग्रेसिवनेस है, आप में विजन है, आप में डिटर्मिनेशन है, आप जो चाहते हो आपको वो मिल सकता है. कभी कभी आप थोड़े से डिसवेड हो जाते हो, कोई आपको कन्विंस कर लेता है नेगेटिव बात करके कि जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है. आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, जैसे मैंने हमेशा बोला गया है, ब्लेस द पर्सन एंड द एडवाइस, एंड आप अपने ही सोच को पॉजिटिव रखो. तो आपको क्या करना है, इस हफ्ते आप कोई पॉजिटिव थॉट लो और उसी को सोचते रहो. अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या कहीं पे उसको डिस्कस करते हो, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, आप बोलोगे इसने मुझे बोला कि ये मेरी थॉट बहुत अच्छी है. आप उसको ऐसे कन्वर्ट करोगे और एक एक हफ्ते के लिए उस पॉजिटिव थॉट को होल्ड रखो. कोई नेगेटिव थॉट उसके आसपास नहीं आना चाहिए. आप सोचो कि ये आपके नवरात्रों का फास्ट है या कोई आपके रिलीजियस फास्ट है जिसमें आप एक परहेज करते हो, तो यू डू द परहेज ऑफ नेगेटिव थॉट्स. किसी को आसपास नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी ये पूरी जो कार्य क्षेत्र है वो खराब हो जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी. और आप देखो कि आपको कैसी आदत हो जाएगी टू जस्ट थिंक पॉजिटिव, और वो जो आपकी डिज़ायर है वो एक्चुअली ट्रू आ जाएगी. सो ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज़ मिथुन राशि. जेमिनाइज के लिए यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आपको इंटरनेशनल चीज़ों में बहुत पसंद है, आप मेहनती भी बहुत हो और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते हो. तो थोड़ा स्मार्टली यू एक्ट एंड डू योर मेहनत, एंड आप देखोगे कि जो भी मेहनत आप करोगे उसका फल आएगा. बट ट्राई टू डू दैट थिंग इन अ डिफरेंट मैनर, ताकि आपको आपका टाइम कम लगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाए. एंड यू ऑलवेज वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, एंड यू ऑलवेज वांट टू मेक पीपल हैप्पी, एंड दे इन टर्न लव यू फॉर दिस. सो दिस इज़ योर बिगेस्ट एसेट एंड क्वालिटी. अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सुपीरियर्स क्या चाहते हैं. आप सबको अपना बना सकते हो. आप अपने स्किल्स में हमेशा अपने ही कंपटीशन रखते हो, लाइक द एप्पल की एक मॉडल बनाया तो दूसरा मॉडल ऑलरेडी उसका रिसर्च रेडी हो जाता है. तो यू आर ऑलवेज चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ, एंड कॉम्पिटिशन आप अपने साथ ही कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू. एंड यू आर वेरी गुड विथ चिल्ड्रेन, वेरी गुड विथ घर डेकोरेशन सजाना. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज जितनी भी क्लीन एंड कोऑर्डिनेटेड आपका एटमोसफियर रहेगा, उतना ही आपका दिमाग रहेगा, उतनी आपकी लाइफ भी बहुत बैलेंस्ड और सिस्टमैटिक भी रहेगी. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि. लियो वालों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. अगर आप कोई भी एडवाइस आती है, ये मत सोचो किससे आ रही है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई क्या है. आप एडवाइस की क्वालिटी देखो और ट्राई करो कि उस एडवाइस को आप थोड़ा सा उसमें अमल करने की कोशिश करो. और आप में एक और एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ से आपकी एक सिचुएशन नेगेटिव है, उसी टाइम वो एक पॉजिटिव सिचुएशन भी है. पर आपको बस अपना अपना फेस थोड़ा पीछे घुमाना है और आपको दिखेगा कि पीछे तो फूल खिले हैं मेरे पास. तो बस उसी सिचुएशन की पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, मतलब कि अपना नज़रिया बदलो. सिर्फ नज़रिया बदलना, अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदलनी है. और आप देखोगे कि आपकी उसी सिचुएशन में कितनी हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी आती है. अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि.
वर्गोस के लिए तो आप यू आर मेड फॉर बिजनेस एंड वर्क. आप जो भी काम करोगे आप लोगों को इम्प्रेस करते हो और आप उसका काम का बेनिफिट भी मिल जाता है. आपकी फैमिली लाइफ को आप बहुत प्रोस्पेरिटी से रखते हो, चाहे वो अपनी फैमिली हो या आपके स्पाउस की फैमिली हो, दे ऑल जस्ट लव यू फॉर इट. और आप जो भी काम करते हो या आपकी जो आपका जो फॉरसाइट है वो बहुत ह्यूज है. तो आप अपने एक कार्य क्षेत्र में बस एक लोकली नहीं रहते हो, आप उसको और ज़्यादा ज्योग्राफीज़ को एक्सपैंड करते हो और यही आपकी एसेट है. आप इसमें हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. सो कंटिन्यू फोकसिंग ऑन इट और देखो आपकी लाइफ कितनी हार्मनी और बैलेंस में आती है. अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि. लीब्रंस आर मेड फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन. आप जो भी काम करोगे आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, आप इन हार्मनी रहते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने कलीग्स एंड अपने सबॉर्डिनेट्स सुपीरियर सबके साथ. इनफैक्ट आपकी आप अपने फैमिली में अगर आपका स्पाउस है उसकी फैमिली के साथ भी आप बहुत अच्छे रहते हो. तो आप में बैलेंस बहुत है. आप बहुत जल्दी अपने आप को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकाल के बैलेंस हो जाते हो. अगर आपको सक्सेस मिलता है आप ज़्यादा ऊँची उड़ते नहीं हो, अगर आपको फेलियर मिलता है आप नीचे गिरते नहीं हो, आप बैलेंस रहते हो. आप हमेशा एक दिन हर दिन को एक चैलेंज की तरह लेते हो और आगे बढ़ते हो, विच इज़ लाइक एन एसेट. ये एसेट तो हम लोग एक योगी योग करता है पाने के लिए, वो आप में ऑलरेडी नेचुरली उस वो है. तो इस एसेट को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो और देखो आप कितनी ऊँचाइयों को छू लोगे. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि. स्कॉर्पियंस आर वेरी नीट एंड क्लीन पीपल. दे लव टू कीप अ ब्यूटिफुल हाउस. बहुत कोऑर्डिनेटेड है, बहुत लकी है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. ये है कि वो एक जगह के बनते हैं तो उधर के ही रह जाते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. तो ये अगर आप एज अ स्कॉर्पियन आपकी नेचर बहुत नर्चरिंग है, तो कोई भी काम आप एनिमल्स, पेट्स, चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन रिलेटेड करोगे या कोई अच्छे टीचर या गुरु बनोगे तो यू विल बी अ वेरी गुड गाइड एंड एडवाइजर टू द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद. एंड आप कितने फ्यूचर्स को, कितने स्मॉल जो छोटे माइंड्स हैं अभी, उनको कितने अच्छी तरह डेवलप करोगे और आप ही के हाथ में है कि हमारा जो कंट्री है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो एब्सोल्युटली वाइज, कंपैशनेट और बहुत टैलेंटेड निकलेंगे. तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यू मस्ट शेप द माइंड्स इनटू बेटर सोसाइटी. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपका विजन बहुत अच्छा है. अगर आप किसी चीज़ को फोकस करो और उसी को फोकस करो, जैसे अर्जुन ने मछली की आँखें देखी थी और उसके आसपास कुछ नहीं देखा था, आप डिटर्मिनेशन, विजुलाइजेशन, अफर्मेशन करो कि ये तो मेरे साथ होगा, ये तो होगा और उसके पीछे जाओ, बहुत आसानी से पूरी कायनात आपके तरफ आ जाएगी आपको वो चीज़ पाने के लिए, आपको वो चीज़ देने के लिए. अगर आप कोई भी काम को नई तरीके से करोगे तो वो सक्सेसफुल रहेगा. अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीक्रेटिव रख सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ को एक ओपन बुक नहीं रखो, थोड़े से सीक्रेट रखो, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है. बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी कोई बात कोई सामने का इंसान उसको मिसयूज़ करे या नेगेटिवली ले. So this was what we have for this week. So all the best to all of you. तो जैसे कि यहाँ गीतिका मैम ने आपकी उलझन सुलझाई कि आप ये सोच रहे थे कि हम सोसाइटी को कैसे गिव बैक दें, तो आप सभी की जो इनर पावर्स हैं जो शायद आपको पता हो और कुछ लोगों को नहीं पता हो, वो आज मैम ने आपको यहाँ बताई हैं. उम्मीद है आप इन पावर्स का जो है सोसाइटी को वापस से कुछ देने का जो आपका जुनून है, जो आपके ख्याल हैं, उसको कहीं ना कहीं एक नई दिशा देगा. तो उम्मीद है आप अपना गणतंत्र दिवस सभी के साथ बहुत बेहतरीन मना रहे होंगे. ऐसे ही जोश के साथ अपने जो देश की तरक्की में योगदान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए. पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ गीतिका मैम लेकर आती है हमारे शो में. और हमारे शो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का जो हमारा एपिसोड है, क्योंकि इसमें हर इंसान की जो पावर्स हैं उसके बारे में बताया गया. उम्मीद है आप बाकी सब एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड को भी ढेर सारा प्यार देंगे. इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए. गीतिका मैम जरूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लाएंगी. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. नमस्ते.